जय मां सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मु आपमनक एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपमनकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु, आज आपमनक पय एक सुंदर टॉपिक नै कि आसी। तो आज हमें आलोचना करिबा चितालागी अमावास्या कोन, एही अमावास्या काहे कि पालन करा जाय, एही अमावास्या रो विशेषत्व कोन रहिची, एही अमावास्या दिन कोन एमिति कार्य करले माता अन्नपूर्णांकर शुभदृष्टि आम उपर रहिबो। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे। आपन को निवेदन करी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने एस्ट्रो पैराडाइज चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा कि जतबेले चैनल रे एमिति भलो भलो टॉपिक म अपलोड करबी तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंच परिबो। ताल दर्शक बंधु, आउ देरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु, स्कंद पुराण सुंदर भाव में उपस्थापना करती चितालागी अमावास्या रो निर्यास को। स्कंद पुराण कहती जे अर्चयति सिद्धरम देवं श्रावणे भक्तिपूर्वत अगच्छन् निरयं राज्यं कृत्वा पापं सतान्यपि श्रावण मासे जो दद्यात् लज्जन घत समन्वितान् हरये तस्य विप्रस्रे न विपत्ति गृहे भवेत्। अर्थात स्कंद पुराण कहउचंती श्रावण मासर जो अमावास्या आसे, जहाँ को आम चितालागी अमावास्या बोली कहू, प्रभु नीलकंदर अधिपति कोटि कैवल्यर नाथ श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जो व्यक्ति पूजार्चना करती से व्यक्ति पाप क्षय होगा सहित गृह को कौन प्रकार विपत्ति आसे ना। चितालागी अमावास्या को प्रभुंर ललाट भूषण यात्रा बोली कहुए। श्रीमंदिर रे यही यात्रा अन्यतम यात्रा अटे। स्नान मंडप रे भगवान जतबले भक्त मान को दर्शन देवाई आसती स्नान बेदी को, सेतबले चतुर्धा मूर्ति ललाट रे चिता लगी करा जाय थाए एवं स्नान मंडप को आसवा पूर्वर से चिता को बाहर करी रखी दिया जाय थाए एवं यही श्रावण मासर अमावास्या दिन से ही चिता को भगवान ललाट रे पुनराय स्थापन करा जाए। सेथिपाई ये यात्रा रो नाम रही ललाट भूषण यात्रा। यहाकू मध्य चितालागी यात्रा बोली कहंती, चितालागी अमावास्या बोली कहंती, गाँ गाँवली रे यहाकू चितु अमावास्या बोली कहा जाए। शास्त्र सुंदर भाव में आउ गोटे निर्यास दियंती, ललाट भूषणम यात्राम श्रावणे जो न कुरबंती तावत वर्ष पुण्य फलम नश्यताम न संशय। कहिबार कथा होची, जदि आपण घरे चतुर्धा मूर्ति रखी पूजा करुचंती बा जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा मूर्ति आपण आपण ठाकुर घरे रखी पूजा करुचंती, ताहले निश्चित भाव में यह चितालागी अमावास्या दिन आपण प्रभु को चितालागी करांतु। शास्त्र कहिले ललाट भूषणम यात्राम श्रावणे जो न कुरबंती, श्रावण मासर अमावास्या दिन प्रभुंकर जो ललाट भूषण यात्रा जो व्यक्ति विशेष माने करंती नहीं तावत वर्ष पुण्यम फलम नश्यताम न संशय, वर्ष जाकर पुण्य फल प्राप्त हेब नाही। तेणु जदि आपण घरे प्रभुंकर विग्रह रखिचंती ताले निश्चित भाव में आपण को अनुरोध करी आपण एही चितालागी अमावास्या दिन बा श्रावण अमावास्या दिन प्रभु को चितालागी करांतु। एही चितालागी अमावास्यार महात्म्य बहुत ऊर्धरे रही। स्कंद पुराण चितालागी अमावास्या उपरे विशेष भाव में वर्णना करिसेंती। स्कंद पुराण कहती, श्रावण मासी संप्राप्ते जो अर्चयत कमलापतिम न स गर्भ गृहम जाति जावदा भूति संप्लवम। स्कंद पुराण कहउचंती कि जो माने कमलापति भगवान श्री विष्णुंकर बा प्रभु जगन्नाथ को पूजा अर्चना करती एही श्रावण मास अमावास्या दिन सेमानंकर अनंत काल पर्यंत पुनर्जन्म हुए नहीं। तेणु आपण मानकु निवेदन करी, जदि आपण आपणक घरे प्रभुंकर विग्रह रखि थांती ताहले एही श्रावण मास अमावास्या दिन निश्चित चितालागी करांतु बा जहाकू हमर ललाट भूषण यात्रा बोली कहा जाए आपण निश्चित करंतु। एथि सहित आपण माने चेष्टा करंतु श्रावण मास अमावास्या दिन बा चितालागी अमावास्या दिन प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने एवं 108 तुलसी अर्पण करने आप्राण चेष्टा करूँ। जदि आपण चितालागी अमावास्या दिन बा ललाट भूषण यात्रा दिन जदि प्रभु श्री जगन्नाथ को आपण 108 तुलसी लागी करूचंती ताहले माता लक्ष्मींकर अपार करुणा आपणक उपरे आपणक परिवार उपरे रहिबो। जदि आपण श्रीक्षेत्र जाई प्रभु को दर्शन करि परिबे नाही ताहले आपणक आखपाखरे थिबा प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर को आप जातु, प्रभु को दर्शन करंतु, प्रभु को 108 तुलसी पत्र लागी करंतु एवं विभु कृपा आप लाभ करंतु। आहुरी मध्य पद्म पुराण सुंदर भाव रे कहती श्रावणे पिष्टकम जस्तु हरये मुद्ग पूरितम ददाति तस्य विप्रसे गृहे श्री नष्टला भवेत। पद्म पुराण कहले कि श्रावणे पिष्टकम जस्तु हरये मुद्ग पूरितम, भगवान हरिं को जी एही श्रावण मासरे पिष्टक पिठा नैवेद्य करती, घरे पिठा प्रस्तुत करी नैवेद्य करती, से माने माता लक्ष्मींकर अशेष करुणा प्राप्त करती। एणु दर्शक बंधु आपण को निवेदन करी दुईटी कम निश्चित यही अमावास्या दिन करंतु। प्रथम कम है गोलकबिहारी प्रभु श्री जगन्नाथ को आप दर्शन करंतु, ता सहित 108 तुलसी प्रभु को अर्पण करंतु। द्वितीय काम है आपण घरे पिठा तैयारी करी प्रभु को नैवेद्य करंतु, देखिबे अनंत पुण्य फल आपण को प्राप्त हो। दर्शक बंधु आज टॉपिक केमती लागिला आपण को निश्चित मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। जदि आपण माने एस्ट्रो पैराडाइज को सब्सक्राइब करि नांती बा प्रथम थर देखुचंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे, पाखर दिबा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करिवे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको नवेदन करेंगे, बहु मात्रा वीडियो को शेयर करेंगे, समस्त पाखे पहुँचेबे। तो दर्शक बंधु पुणी आसबि आगामी अध्याय आउ एक टॉपिक नहीं, से पर्यंत आप भले था खुशी था मत विदाय दिखाई। जय माँ सरला, जय गुरुदेव।